नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में, वहां पर किस तरह का एक्शन है ये भी हम आगे समझेंगे और साथ ही कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने लेकर आएंगे इस शो में आगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार से। और मार्केट में आज बिकवाली बढ़ी है। निफ्टी अब करीब 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी दबाव है। करीब 200 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है, 0.5% की गिरावट वहां पर भी है। सेंसेक्स की बात करें तो 450 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो आज नज़र आ रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इसके अलावा सरकारी कंपनियाँ FMCG स्टॉक्स में आज दबाव है। वहीं एनर्जी, मेटल और फार्मा स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑटो की बात करें, ऑटो और चुनिंदा IT कंपनियाँ वो हरे निशान में कारोबार कर रही हैं, लेकिन बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स हम देखेंगे कि यहाँ पर लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। अगर निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो आज L&T कमज़ोर है, करीब 5% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपनी गाइडेंस घटाई है जिसके चलते आज वीकनेस है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने भी अपने टारगेट्स घटाए हैं और उसके चलते L&T में आज करीब 5% की कमजोरी नज़र आ रही है। डीवीज लैब में भी 3.5% की वीकनेस, ब्रिटानिया 2.5% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज और कोल इंडिया में भी करीब 2% से ज़्यादा की वीकनेस अभी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव है। इस वक्त करीब 1718 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो रेशियो भी इस वक्त नेगेटिव ही है मार्केट का। इंडिया विक्स भी हम देखेंगे तो 3% के आसपास इंडिया विक्स भी कारोबार कर रहा है। और FNO में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 140 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो रिकवरी कहीं से नहीं है। आज एक्सपायरी का भी दिन है निफ्टी का और 22,200 का लेवल तोड़ चुका है। दिन के निचले स्तर पर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक से भी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं जहां पर की खबरों के चलते हम थोड़ा बहुत एक्शन देख रहे हैं, लेकिन दबाव चौतरफा है इस वक्त बाजार पर। 22,150 के जो लेवल्स हैं उसको होल्ड करने की फिलहाल बाजार कोशिश कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि आज मिड कैप स्टॉक्स में कौन से शेयर्स ऐसे हैं जहां पर कि मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा एक्शन वाले स्टॉक्स हम एक एक करके आपके स्क्रीन पर रखेंगे 3 विंडो के ज़रिए। और उसमें आज इंडिया शेल्टर फाइनेंस, यहां पर मजबूती है, नतीजे भी अच्छे आए हैं। NII में 58% की ग्रोथ, मुनाफा 47% बढ़ा कंपनी का, जिसके चलते स्टॉक में आज तेज़ी है। SKF इंडिया में भी अच्छा नतीजों के चलते अच्छा उछाल है, मुनाफे में 42% की ग्रोथ, मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिली, इस वजह से हम यहाँ पर भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। और किर्लोस्कर ऑयल में भी आज अच्छे नतीजों के चलते मजबूती है शेयर पर, मुनाफा 86% बढ़ा, मार्जिन में भी 4.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तीनों स्टॉक्स देखिए नतीजों के चलते आज फोकस में है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ निर्मल बांग से स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। स्वाति, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार में? अब 22,200 के भी नीचे आ चुका है, अभी फिलहाल 22,150 के ऊपर संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिकवाली हावी है और रिकवरी के कहीं से कोई साइंस नहीं नजर आ रहे हैं। FIS से भी कोई योगदान नहीं मिल रहा है। मार्केट का जो सेटअप है वो आप कैसे देख रही हैं? क्या यहाँ से और करेक्शन गहरा सकता है? गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली व्यू लिटिल बिट कॉशियस है अभी निफ्टी के, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे थे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा था एवरी ऑन हायर साइड। कल उसने 50 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन दिया है, समहाउ क्लोजिंग आसपास रखी थी, बट आज सबसे मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, निफ्टी में भले स्टॉक्स में हो या फिर बैंक निफ्टी में, सेलिंग प्रेशर बरकरार है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरह से सेटअप बन रहा है, सेलिंग प्रेशर मुझे नजर आ रहा है,
मुझे लगता है कि 21,900-970 तक एक बार ये सेल ऑफ हो सकता है, वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज 100 डे मूविंग एवरेज के उधर सपोर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट बात यही कि निफ्टी ने अभी तक 100 DMA टेस्ट नहीं किया है, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है एंड वहां से ये लिटिल बिट पुल बैक रैली नजर आ रही है। बट ये पुल बैक रैली कितनी लॉन्ग टर्म सस्टेन होगी वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे ही 47,800 के लेवल्स अगर ये वापिस ब्रेक डाउन करता है ऑन डाउन साइड, तो मेजर सेल ऑफ हमें नजर आ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग और इंटेंसिफाइड हो सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 47,400 के रेंज तक। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस है, मैं कहूंगी थोड़ा पोजिशन अपने लाइट रखिएगा, अगर हो सके तो प्रॉफिट्स बांध लीजिएगा एंड एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हैं, बट ओवरऑल मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है करंट लेवल्स पे। ठीक है, तो करंट लेवल पे थोड़ा कॉशियस व्यू है फिलहाल, नई पोजीशन नहीं लीजिए, बाजार में और वीकनेस आ सकती है। जिनके पास है लॉन्ग साइड है वो कोई भी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश कीजिए। सेलोन राइस का मार्केट फिलहाल नज़र आ रहा है और ये सभी एक्सपर्ट सुबह से ही आपको चिता रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर इस स्तरों में कॉशियस हो जाना चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन स्वाति आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया में सिंस मैंने कहा कि मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, तो मैं दोनों तरफ के कॉल देना चाहूंगी। वन विल बी ऑन बाय साइड एंड दूसरा मेरा सेल साइड रहेगा। पहले सेल साइड का कॉल जो कि है MCX पे। MCX का अगर आप डेली चार्ट देखोगे पूजा, तो इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना चुका है एंड जिस हिसाब से हम लोग ने मंथ ऑफ अप्रैल जो रैली देखी थी, काफी अच्छी खासी रैली हम लोग ने 3100 टू ऑलमोस्ट 4200 के लेवल्स तक देखी थी। अभी इसने एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 का ब्रेकडाउन भी दिया है, तो मुझे लगता है यस ये प्रॉफिट बुकिंग हमें और फ्यू ट्रेडिंग सेशंस देखने मिल सकता है, जो कि ये पर्टिकुलर काउंटर को एटलीस्ट 3650 के रेंज तक लेके आ सकता है। ये मैं जो लेवल्स बता रही हूँ वो फ्यूचर्स के लेवल्स है, तो करंट लेवल पे आप शॉर्ट जा सकते हो। 3970 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर टारगेट ऑफ 3650। सेकेंड मेरा बाय कॉल है, सिंस मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहूंगी या से कॉल्स रखना चाहूंगी, तो सेकेंड मेरा बाय कॉल है जो कि बायोकॉन पे है। बायोकॉन का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है एंड ये वर्ज पे है, ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो ये डिफेंसिव पैक भी है ये मार्केट्स में, तो ये ऐसे सेक्टर में प्रोबेबली हमें थोड़ी बहुत बाइंग साइड देखने मिल सकता है। 308 के आसपास ये काउंटर चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाई कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 300 का रखिएगा, ऊपर में मुझे लगता है कि इसमें 330-340 के लेवल हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो MCX में बिकवाली करने की सलाह 3650 के लक्ष्य के लिए, और बायोकॉन में आप तेजी करके चल सकते हैं। ये है सलाह स्वाति जी की तरफ से, 330 के लेवल्स आ सकते हैं बायोकॉन में। तो एक सेल साइड और एक बाय साइड का ट्रेड आपके लिए है, इस पर नज़र रखिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखिए जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं आज। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ है मिड कैप में, और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त मिड कैप स्टॉक से क्या हाल है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम खबरों वाले शेयरों से शुरुआत करेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस फोकस में है। कंपनी को करीबन 200 करोड़ रुपए एक NCD के थ्रू रेज करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि मार्केट के प्रेशर के कारण स्टॉक नेगेटिव नजर आ रहा है। जाइडस लाइफ को भी डैप्सोन जेल के लिए USFDA से मंजूरी मिल चुकी है। ये जेल चेहरे पर एक्ने के लिए के इलाज में काम आती है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पेटीएम नजर आता है। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है ऊपर की तरफ। दूसरा यहाँ पे नाम हमें बंधन बैंक का नजर आ रहा है, जो कि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ था कुछ 5-6 सेशन तक, और वहां से उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तीसरा स्टॉक भारत फौज का, कल नतीजे आए थे और प्रॉफिट भी करीबन 60% से बढ़ा था, जिसके चलते पॉजिटिव तभी भी था और वही पॉजिटिविटी में आज भी फ्लो होती हुई नजर आ रही है। माइक्रोटेक डेवलपर्स में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइज की बात करेंगे। 4 सेशन से इसमें लगातार गिरावट हो रही है और इन 4 सेशन में स्टॉक ने करीबन 12% का डाउन मूव दिया हुआ है। ऑयल इंडिया भी बिकवाली के लिस्ट में शामिल है और यहाँ पर भी चार्ट देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पोटेंशियल नीचे के तरफ रिवर्सल इंडिकेट करती है। डॉक्टर लालपैथ भी शामिल है, इसका भी चार्ट देखें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, जहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया है।
हैं। प्रेस्टीज में भी हमें बिकवाली नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमें थोड़ी बिकवाली दिख रही है। इस लिस्ट में एगर्शी मोटर, अमर राजा बैटरी और व्हील्स इंडिया जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। ठीक है, थैंक यू अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर की एक्शन है। इसमें भारत फोर्ज पर एक बार नज़र डालते हैं। कल भी अच्छी मजबूती थी स्टॉक में, नतीजे अच्छे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी, जिसके चलते करीब 14% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। और आज भी कमज़ोर बाजार में बाजार ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि नंबर्स को नतीजों के चलते बाजार उनको एनकरेज भी कर रहा है, थम्स अप दे रहा है। भारत फोर्ज में अब लगातार हमने दूसरे दिन भी आज हम तेज़ी देख रहे हैं कमज़ोर मार्केट में भी, और करीब 1.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 1425 के लेवल से इस वक्त दिख रहे हैं। स्वाति जी, क्या सलाह होगी आपकी भारत फोर्ज पर, मौजूदा स्तर पर एंट्री लेनी चाहिए? सी, भारत फोर्ज पूजा जी काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ऑलमोस्ट 9 से 10 साल के बाद इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 2023 मिड ऑफ एंड ऑफ 23 टू स्टार्ट ऑफ 24 में, जो कि एट अराउंड 950 रुपए का था। जब से वो ब्रेकआउट मिला नॉनस्टॉप हम लोग देख रहे कि ये 1440 तक ऊपर जा रहा है। नो वंडर ये काउंटर फॉर लॉन्गर होराइजन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, बट एट द करंट मार्केट प्राइस तो मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर ये वापस एक डाउनफॉल आता है या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है तो 1200-1100 के रेंज में लेने के लिए काफी अच्छा काउंटर है। ये विद इन स्पैन ऑफ 2 डेज में ही इसने 1200 से 1400 की रैली नजर आई है, तो 2 दिन के रैली में मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, लेट द स्टॉक सेटल डाउन एट द सपोर्ट लेवल, फिर अपने लॉन्ग पोजिशंस ओपन कर सकते हैं। बट ऑन अ लॉन्गर होराइजन के लिए पूजा मुझे ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। आई बिलीव इसमें क्षमता है कि ये वापस 2500 से 3000 के लेवल समय देखने मिल सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years में, तो यस डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है मेरा। ठीक है, तो ये है सलाह भारत फोर्ज पर। थोड़ा और नीचे आ जाए तब स्टॉक में एंट्री कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी चल चुका है ये शेयर, और करेक्शन आने के बाद यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इस बीच आपकी स्क्रीन पर देखिए अप्रैल में म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो चल रहा है, जिसमें कि नेट इक्विटी इनफ्लो 18,888 करोड़ के पास हुआ है पिछले महीने के 22,000 करोड़ के सामने, तो थोड़ी कमी आई है यहाँ पर। अप्रैल में म्यूचुअल फंड AUM में 7% की बढ़त देखने को मिली है, मंथ ऑन मंथ फिगर्स ये हैं। धीरे धीरे हम इन नंबर्स को जैसे जैसे आएंगे उनको और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अप्रैल का महीना हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी था, मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली, और ऐसे में म्यूचुअल फंड के आंकड़े क्या कह रहे हैं इसका एनालिसिस हम आगे करेंगे आपके लिए। लेकिन उसके पहले लेती नतीजों पर फोकस बना हुआ है हमारा, और इस बीच देश की दिग्गज बैंक SBI के कल चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, और SBI के नतीजे इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती है उसका कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरीके से आगे उनकी वो ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, एडवांस ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ उन्हें कहाँ दिखाई दे रही है, ये देश के दिग्गज बैंक की तरफ से एक व्यू मिल जाता है। तो आज SBI के नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें SBI की तो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें कहीं पे 1% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशन है लोगों का, क्योंकि इस क्वार्टर में कहीं पे हमें कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसका एक प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है बैंक के ऊपर। अगर हम PPOP के पास बढ़े जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें हमें कहीं पे 20% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और इसका मेन रीज़न ये रहेगा कि बैंक ने पहले ही कहा था कि इस क्वार्टर में उन्होंने 5,400 करोड़ का एक प्रोविजन जो है वो बुक करने वाले हैं वेज रेट्स को लेकर, और इसी के चलते हुए हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगले अगर हम पैट की बात करें जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें भी हमें कहीं पे एक सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 19-20% का एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इसका और एक भी रीज़न ये रहेगा कि नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम बात करें 4Q FY23 की, तो उसमें कहीं पे एक हाई बेस हमें देखने को मिला था बैंक की तरफ से। अगली बात करते हैं एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स की, उसमें कहीं पे एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो एडवांसेस का अभी कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे एडवांसेस में हमें 12% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जबकि डिपॉजिट जो है वो भी कहीं पे 11% से बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी सब के चलते हुए अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, तो कहीं पे हमें 5% का जो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से, वो कहीं पे देखने को मिल सकता है। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कहीं पे एक्सपेक्टेड है कि 3.15% के रेंज में रहेंगे इस क्वार्टर में बैंक के लिए। अगली अगर बात करें एसेट क्वालिटी की, तो कहीं
पे भी एक रिस्क नहीं देखने को मिल रहा है, एक हेल्दी एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में भी हमें देखने को मिल सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैनेजमेंट का कैसे कमेंट रहता है कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर, क्योंकि इसके वजह से जो निम्स का ग्रोथ है और नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें कहीं पर हमें ऐसे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री ये रहेगा कि जैसे RBI ने अभी ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला था प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसी के चलते हुए कुछ भी अगर कमेंट्री उसके ऊपर आता है कि कॉर्पोरेट्स में ग्रोथ कैसे रहेगा या फिर प्रोविजंस में क्या इंपैक्ट आएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा SBI के मैनेजमेंट की तरफ से। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे भी एक नेगेटिव सरप्राइज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है इन्वेस्टर्स को, कहीं पे सब जो नंबर्स है वो फैक्टर्ड इन उनके तरफ से तो लग रहा है। तो इसी के ऊपर हम SBI पे हमारी नज़र ज़रूर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी तो बेहतर रह सकती है लेकिन ऑपरेशनली अगर नंबर देखेंगे तो कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और ऊंचे बेस का भी फ़ायदा हाई बेस का भी यहाँ पर नुकसान कंपनी को मिलेगा। इस वजह से हम देख रहे हैं कि NII में मामूली 1% की बढ़त, और बाकी सारे नंबर्स भी देखेंगे तो वहाँ पर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। मुनाफे में 20% की डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाज़ार पर नज़र डालिए, बाज़ार अब 22,100 का लेवल भी तोड़ चुका है और दिन के निचले स्तर पर मार्केट इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो सेकेंड हाफ में हम देख रहे हैं कि बिकवाली का प्रेशर और गहराता जा रहा है, 22,100 के लेवल्स के नीचे भी अब मार्केट आ चुका है। स्वाति, अभी क्या राय बन रही है आपकी निफ्टी पर, और अब क्या शॉर्ट साइड कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में? यस, अगर डेफिनेटली व्यू जैसा मैंने कहा कि पूजा मेरा व्यू कॉशियस है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ से और 200 पॉइंट का करेक्शन देखती हूँ तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करो तो DB स्लैपेक मुझे लिटिल बिट कॉशियस नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस हिसाब से उसमें फॉल ऑलरेडी हम देख रहे हैं, 3% का फॉल हमें नजर आ रहा है, इसमें भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है, ओवरबॉट जोन से हमें एक सेल ऑफ नजर आ रहा है या नेगेटिव क्रॉसओवर्स मुझे नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगी कि ये पर्टिकुलर काउंटर में आप अगर शॉर्ट्स है तो बने रख सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि इसमें 3700 तक यानी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने मिल सकते हैं, तो ये एक काउंटर ऑफ शॉर्ट्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो रिवीज लैब में आप शॉर्ट कर सकते हैं 3% नीचे दिन के निचले स्तर पर, लेकिन अभी और चार्ट स्ट्रक्चर इसका और कमजोर नजर आ रहा है और कमजोरी गहरा सकती है। और निफ्टी के भी अगर बात करें तो स्वाति का ये मानना है कि यहाँ से ऑलरेडी 200 पॉइंट नीचे आ चुका है, यहाँ से और 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है निफ्टी में, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए और लॉन्ग पोजिशन का अगर आपके पास है तो उसका ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए इस बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ मौजूद हैं जीओजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार का स्ट्रक्चर तो बहुत ही नेगेटिव हो चला है, 22,100 का भी लेवल टूट गया है मार्केट में, ऐसे में कहीं मौके देख रहे हैं आप, क्वालिटी स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका, और इसी निचले स्तर की हम बात कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से जब भी हम आपके हमारे चैनल इटीनाउ स्वदेश से जुड़े थे। मौके तो बहुत सारे हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो, और अगर वही नजरिया है आपके पास और समय की कोई पाबंदी नहीं है तो एक मझौली कंपनी है तैंडला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी दूर संचार सेवाएं का माध्यम उपलब्ध कराती है और 2 मुख्य कारोबार है इनके जो के हैं एंटरप्राइज और प्लेटफॉर्म। ये दोनों ही कारोबार के माध्यम में ये जो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसके कारण जो स्पैम और वेब अटैक्स का जो खतरा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की एक कोशिश रहेगी आने वाले समय में, जैसे जैसे सरकार गठन होगी 4 जून के बाद, तो इस जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा आगे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 1050 के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के ऊपर। ठीक है, तो अगले 1 साल के लिए तानला प्लेटफॉर्म्स ये एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है गौरांग जी ने, 1050 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी आपका समय देने के लिए। इस बाजार में भी हमारी कोशिश यही है कि आपको कमाई के मौके भी देते रहें और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई करें, तो फंडामेंटल लिहाज से तो आपको स्टॉक बताएं लेकिन ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस।
हमारे साथ एथलेटिक के आदित्य अरोड़ा जी मौजूद है। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, ऑप्शन ट्रेड कहाँ देख रहे हैं आप? आदित्य जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी जो रणनीति है वो आपके सामने रख देते हैं। जो स्टॉक उन्होंने सुझाया है, उनकी रणनीति है हमारे पास, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में यहाँ पर 47,500 की पुट खरीदने की वो सलाह दे रहे हैं 266 के पास, और बैंक निफ्टी में 48,500 की पुट बेचें जो कि 822 के पास मिल रही है। इसमें अधिकतम मुनाफा 8,329 का हो सकता है और नुकसान 6,670 का हो सकता है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक में पुट खरीदने की सलाह। आदित्य जी से हमारा संपर्क वापस से हो चुका है। आदित्य जी, क्या सलाह होगी आपकी? बैंक निफ्टी में क्या और करेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि काफी टाइम से करेक्शन चल रहा है एंड वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ द फॉल, तो मुझे यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता है, इसलिए मैं न्यूट्रल टू बुलिश स्ट्रेटजी रेकमेंड करूंगा। ज्यादातर लोग को ऑप्शन राइटिंग के लिए मार्जिन नहीं होता है, वरना मैंने पहले वो प्रेफर किया होता, इसलिए मैंने एक बुलिश पेयर बनाया है और उसमें ये करना है 15 मई की एक्सपायरी का 47,500 का पुट बाय करना है, जो अभी 266.90 है, उससे ज्यादा चल रहा होगा अभी, प्राइस थोड़े से चेंज हुए, और 48,500 का पुट सेल करना है जो 822.15 चल रहा है या थोड़ा सा उससे ज्यादा चल रहा होगा अभी, थोड़ा मार्केट नीचे आए। बट ओवरऑल ये क्रेडिट स्ट्रेटजी है, मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 6671 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 8329, तो बाजार ऊपर जाएगा तो इसमें पैसा बनेगा और मैं बाजार पे बुलिश हूँ ओवरऑल फ्रॉम हियर। पता है अगर बस चलिए ठीक है आदित्य जी, इस बाजार में कुछ सिल्वर लाइनिंग अगर बात की जाए तो आपकी कमेंट्री से आई है, बुलिश हैं बाजार पे, और उनका कहना है कि लास्ट लेग ऑफ करेक्शन वो ये देख रहे हैं, ये जो अभी फिलहाल करेक्शन आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अब करीब 330 अंक टूट चुका है यहाँ से, लेकिन उसके सामने अगर आपको रणनीति बनानी है बैंक निफ्टी पे तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको सुझाई गई है, इस पर आप नजर रखिए। बाजार फिलहाल दिन के निचले स्तर पर 240 अंक नीचे अब आ चुका है निफ्टी, बैंक निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट है और सेंसेक्स 750 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।